इस कोरोना महामारी के समय में देश के नागरिकों की सेवा करने का अवसर दें। डॉक्टर कफीर खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर अपना सस्पेंशन ऑर्डर रद्द करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के बाबा राघव दास यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफीर खान ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर अपना सस्पेंशन ऑर्डर रद्द करने की अपील की है। डॉक्टर कफील खान ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस टाइम कोहराम मचा रही है। मेरा आईसीयू में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव शायद कुछ जिंदगियां बचाने में काम आ सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में देश की सेवा करने का अवसर दें। डॉक्टर कफील खान ने अपने लेटर में लिखा है कि बाकी डॉक्टरों पर भी विभागीय कार्रवाई होने के बावजूद उनका निलंबन समाप्त कर सेवा बहाली कर दिया गया है। सीएम योगी को लिखे लेटर में उन्होंने कहा कि इसी मामले में निलंबित किए गए बीआरडी के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर राजीव मिश्रा और मेंटेनेंस इंचार्ज डॉक्टर सतीश कुमार का निलंबन पिछले साल 4 मार्च को वापस हो चुका है, लेकिन सिर्फ उनकी बहाली नहीं की जा रही है। 36 से भी ज्यादा पत्र लिखने के बावजूद अधिकारी देश पूर्ण ढंग से उनका निलंबन वापस नहीं कर रहे हैं, जबकि विभिन्न जाँच अधिकारियों की रिपोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में उन्हें चिकित्सीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2019 और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को अपने ऑर्डर में 90 दिनों के अंदर उनके निलंबन पर विचार करने को कहा था, लेकिन 1300 से ज्यादा दिनों से वो निलंबित हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस संकट की घड़ी में देश के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूं। अब देखना यह है कि डॉक्टर कफील खान के इस लेटर के बाद क्या सीएम योगी आदित्यनाथ उनका सस्पेंशन ऑर्डर रद्द कर देते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।